क्लास हमने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को अच्छे से समझ लिया है सबसे पहले हमने इस चैप्टर में सीखा कि फोटोसिंथेसिस आखिर आया कहाँ से फिर हमने सीखा उसकी हिस्ट्री के बारे में यानी किन किन साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बारे में पता लगाया क्योंकि फोटोसिंथेसिस एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इस प्रोसेस को गवर्न करते हैं बहुत सारे फैक्टर्स यानी कि बहुत सारे फैक्टर्स मिलकर अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ये फैक्टर्स डिटरमाइन करेंगे कि फोटोसिंथेटिक रेट प्लांट का बढ़ेगा या फिर घटेगा अब हम इस टॉपिक के बारे में डिटेल्स में सीख लेते हैं जिसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स की यील्ड डिपेंड करती है फोटोसिंथेटिक रेट पर यानी कि अगर एक प्लांट का फोटोसिंथेटिक रेट ज़्यादा होगा तो उसकी यील्ड भी ज़्यादा होगी लेकिन अगर एक प्लांट का फोटो रेट कम है तो उसकी यील्ड भी कम होगी फोटो रेट डिटरमाइन होता है बहुत सारे फैक्टर्स से और ये फैक्टर्स को हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में जो है इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स इंटरनल फैक्टर्स को हम प्लांट फैक्टर्स भी बोलते हैं इंटरनल फैक्टर्स डिटरमाइन होते हैं प्लांट के जेनेटिक मेकअप के थ्रू यानी कि प्लांट के डीएनए से प्लांट का जेनेटिक मेकअप यानी डीएनए डिसाइड करता है कि प्लांट की ग्रोथ कैसी होगी प्लांट की लीव्स कैसी होंगी वो छोटी होंगी या फिर बड़ी होंगी या फिर प्लांट में कितनी नंबर ऑफ लीव्स होंगी उनका एंगल कैसा होगा ये सभी चीज़ें डिसाइड होती हैं प्लांट के डीएनए के थ्रू जिन्हें हम इंक्लूड करते हैं इंटरनल फैक्टर्स में एक्सटर्नल फैक्टर्स में आता है बाहर का तापमान यानी कि बाहर का तापमान ज़्यादा है या फिर कम है इसके बाद आता है ह्यूमिडिटी यानी कि बाहर ह्यूमिडिटी जो है वो ज़्यादा है या कम है फिर आता है वाटर यानी कि वाटर कंटेंट जो एनवायरमेंट में अवेलेबल है क्या वो सफिशेंट है प्लांट की ग्रोथ के लिए ये भी फैक्टर एक्सटर्नल फैक्टर में आता है फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन यानी कि बाहर जो एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन है वो प्लांट के लिए कितनी अवेलेबल है ये सभी फैक्टर्स आते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स में अब हम ये देख लेते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स में कौन कौन सी चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं इंटरनल फैक्टर्स में आता है अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल इंटरनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल फॉर द प्लांट देन मीजोफिल सेल्स क्लोरोप्लास्ट एंड लीव्स एक्सटर्नल फैक्टर्स में हम इंक्लूड करते हैं वाटर कॉन्टेंट अवेलेबल फॉर द प्लांट उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन जो एक प्लांट यूटिलाइज कर सकता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए इसके बाद आता है सनलाइट कि कितनी सनलाइट अवेलेबल है प्लांट के लिए इसके बाद आता है लाइट इंटेंसिटी इसके बाद आता है टेम्परेचर कि बाहर का तापमान ज़्यादा है या कम वो भी अफेक्ट करेगा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को इसके बाद आता है इंसिडेंट लाइट तो ये सभी फैक्टर्स आते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स में ये इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि एक प्लांट का फोटोसिंथेटिक रेट क्या होगा इस फोटोसिंथेटिक रेट की वजह से ही यील्ड डिसाइड होती है scientist को यह पहले लगता था कि जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होगा एक प्लांट के लिए वो उतनी ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेगा उसको एसिमिलेट करेगा और उतनी ही ज्यादा प्लांट की ग्रोथ होगी लेकिन इस चीज को गलत प्रूव किया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है फ्रेडरिक ब्लैकमैन ब्लैकमैन ने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स दिया उन्होंने इस लॉ में यह बताया कि अगर एक केमिकल प्रोसेस अफेक्ट हो रहा है मोर देन वन फैक्टर से तो वो केमिकल प्रोसेस का रेट डिसाइड होगा उस फैक्टर से जो सबसे लोएस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं हम यहाँ पर मान लेते हैं कि एक प्लांट के पास अच्छी खासी लीफ है यानी कि उसमें क्लोरोफिल अमाउंट एकदम अप्रोप्रिएट है हम ये भी मान लेते हैं कि प्लांट जहां पर ग्रो कर रहा है उसकी ग्रोथ के लिए लाइट इंटेंसिटी भी एकदम अप्रोप्रियट है उसके बाद हम ये भी मान लेते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन है एनवायरमेंट में जहां पर प्लांट ग्रो कर रहा है वो भी एकदम अप्रोप्रिएट है लेकिन जहां पर ये प्लांट ग्रो कर रहा है वहां पर टेम्परेचर लो है तो क्या ये प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाएगा जी नहीं ये प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल भी है ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी भी है कार्बन डाइऑक्साइड भी एप्रोप्रिएट अमाउंट में प्रेजेंट है लेकिन जो लिमिटिंग फैक्टर की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पर वो है लो टेंपरेचर ये टेंपरेचर डिसाइड कर रहा है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा या फिर नहीं करेगा इसीलिए यहां पर प्लांट को कम टेंपरेचर मिलने की वजह से प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाएगा आशा है कि आपको लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स अच्छे से समझ में आ गया है अब हम ये समझ लेते हैं कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन और इंसिडेंट लाइट दोनों अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को कैसे अफेक्ट करती है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वाई एक्सिस पर है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और एक्स एक्सिस पर है कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन एनवायरमेंट में प्रेजेंट होती है प्लांट्स सिर्फ उसका पॉइंट जीरो फाइव परसेंट ही यूटिलाइज करते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कैसे पॉइंट जीरो फाइव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर फोटोसिंथेटिक रेट मैक्सिमम है इस कॉन्सेंट्रेशन के बाद फोटोसिंथेटिक रेट में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं दिखाई दे रहा है क्या आप ये बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है ये ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन तो इनफ अमाउंट में प्लांट को मिल पा रही है लेकिन और फैक्टर्स जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं जैसे कि अमाउंट ऑफ वाटर ह्यूमिडिटी लाइट इंटेंसिटी ये सभी फैक्टर्स लिमिटिंग हो जा रहे हैं इस प्रोसेस के लिए इसीलिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक पर्टिकुलर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन के बाद रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और इस पॉइंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट